हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर आपके सामने जनरल स्टडी पेपर 4 एथिक्स का जो पेपर है यूपीपीएससी मेंस 2018 के एटीट्यूड पार्ट को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, ये आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिन भी एस्पिरेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पार्ट 1 का लिंक देख सकते हैं। और साथ में ही इसका सिलेबस, कौन सी बुक्स कहाँ से पढ़नी है, ये सब आप उसमें से देख सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कर, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने GS पेपर 1 और GS पेपर 4 इन दोनों पेपर्स को शुरू किया है करवाना, और GS पेपर 3 और 2 में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, सर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। और वो टॉपिक आप कमेंट्स में बताइए, हम वो टॉपिक करवाएंगे। एक बात और, आप इसकी PDF हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप PDF की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको PCS मेंस की पूरी तैयारी विस्तार से यहाँ पर मिलेगी और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरी तैयारी इसी चैनल पे हम आपको करवाएंगे हमारे माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से। साथ में मोटिवेशनल वीडियो और आंसर राइटिंग की वीडियोज़ भी आपके सामने समय समय पर आती रहेंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 आज कंप्लीट करते हैं एथिक्स का, जिसमें चल रहा था एटीट्यूड अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का ये सिलेबस है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, एक बार आप इसे वीडियो पॉज करके जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हम क्या क्या अभिवृत्ति के अंतर्गत करेंगे, परिभाषा करेंगे, विशेषताएँ करेंगे, संरचना, निर्माण, कार्य और हानियाँ। तो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उस पर हम एक बार रिवीजन करते चलते हैं, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, फिर हम आगे के लेक्चर कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में परिभाषा विशेषताएं पढ़ी थी, परिभाषा ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था तो मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होगी, आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, इसके 3 पक्ष बताए थे, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष। ये सारा मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझाया था, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। एग्जाम्पल दिया था स्नेक का, आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर आपने वीडियो देखी है। तो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ये वीडियो देखिए, फिर पार्ट 2 पर आइए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। मनोवृत्ति की विशेषताएं हमने की थी, 7 विशेषताएं थी, आशा है आपने इस पर आंसर राइटिंग जरूर की होगी। आज हम पढ़ेंगे मनोवृत्ति की संरचना, कैसे मनोवृत्ति की संरचना होती है और मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, इस दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। मनोवृत्ति की संरचना, मनोवृत्ति की संरचना जैसे कि वीडियो 1 में हमने पढ़ा था, पक्ष होते हैं 3 पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष नॉलेज से जुड़ा हुआ होता है, भावात्मक पक्ष हमारे भावों से जुड़ा होता है, हमारे नेचर से जुड़ा होता है, हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में वो जुड़ा होता है, और व्यवहारात्मक पक्ष होता है हम कैसा बिहेव करते हैं लोगों से, उससे जुड़ा हुआ होता है। ये लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से हमने समझा था। तो इसकी संरचना इन तीनों भावों को मिलाकर बनती है, इन तीनों पक्षों को मिलाकर मनोवृत्ति की संरचना होती है। अब कैसे संरचना होती है, क्या क्या इसमें फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये हम आगे देखते हैं। इन तीनों को मिलाकर कुछ आधारभूत निष्कर्ष निकाले गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। इन तीनों संगठक के परस्पर सामंजस्य से ही मनोवृत्ति की रचना होती है, परंतु जरूरी पहले जो पारंपरिक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि ये इन तीनों का आपसी में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, बट जो समकालीन अनुसंधान हुए हैं उससे ये पता चला है कि इन तीनों में संगति होना, मतलब इन तीनों का एक दूसरे से जुड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तीनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, कैसे हम आगे देखेंगे विद एग्जाम्पल।
तो कुछ निष्कर्ष मनोवैज्ञानिकों ने निकाले हैं। क्या निष्कर्ष निकाले हैं हम देखते हैं। संज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष में संगति, किंतु क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब यहाँ पे व्यवहारात्मक आएगा, इसको क्रियात्मक भी कहते हैं, व्यवहारात्मक पक्ष को, कि उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि हमें कोई चीज की नॉलेज है, हमें उसके प्रति कोई भाव भी आ रहा है, कोई भाव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस पर रिएक्शन भी करें। इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझा। आपके सामने मतलब आपके कोई पड़ोसी है आपका कोई, आपको ये पता है कि वो उसको गिटार बजाना बहुत अच्छा आता है, तो गिटार बजाना एक पॉजिटिव फीलिंग है, आपको उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग है कि उसे गिटार बजाना आता है, बट आपने उसके मुंह पे कभी उसकी तारीफ नहीं की कि आप बहुत अच्छा गिटार बजा लेते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई चीज़ की नॉलेज हो और हमें उसके बारे में भाव भी आ रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है कि हम उसको रिएक्शन भी करें उसके आगे। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल आप अपने दिमाग से सोच के कोट कर सकते हैं यहाँ पे। आशा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या निष्कर्ष निकलता है इन तीनों पक्षों को लेकर। संज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष में पूरी संगति ना होना, इसमें ऐसा होता है कि हमें नॉलेज भी है और भाव भी है। नॉलेज जो है और भाव जो है, उन दोनों में बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होता। जैसे कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपती है कि फला जगह एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज मिली कि एक्सीडेंट हो गया है, इतने लोग इंजर्ड हैं इसमें, ये एक आपको खबर मिली। उसके बाद आपको भाव उसमें आएंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं आएंगे जिस लेवल पे आपके किसी अपने के एक्सीडेंट होने पर आते। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर नॉलेज आई लेकिन भाव उस लेवल के नहीं आए, भाव उतने नहीं आए। आप न्यूज़ देखेंगे फिर चैनल चेंज कर देंगे, कुछ और करने लगेंगे, आप भूल जाएंगे उस चीज़ को, भाव नहीं आएंगे। तो कुछ कुछ केसेस में दोनों में संगति नहीं होती है। समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट, संज्ञानात्मक भावात्मक तथा व्यवहारात्मक पक्ष के भीतर भी बहुविविधता का होना, मतलब कि इसमें तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना। मीन्स एक एग्जांपल मैं इसमें दे सकती हूँ कि एक आदमी है आपके ऑफिस में काम कर रहा है, आपको पता है वो बहुत ईमानदार है, मतलब कि कोई भी चीज़ कहीं रखी हो वो कभी नहीं उठाता, लेकिन दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि वो कामचोर है, तो इसमें वो कोई काम टाइम पे नहीं करता है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भाव दोनों साथ में आ गए, तब आप कैसा बिहेव करेंगे वो तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा वहाँ पे। तो इसमें ये होता है कि संज्ञानात्मक और भावात्मक और व्यवहारात्मक तीनों पक्ष में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी कभी कभी आ जाता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक भावात्मक व व्यवहारात्मक के आपसी सामंजस्य से मनोवृत्ति की तीव्रता का तय होना। इसमें मतलब ये है कि जितना अच्छी नॉलेज होगी हमें उतने ही पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे भाव होंगे और वैसा ही हम लोग व्यवहार होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि तीनों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। संज्ञानात्मक भावात्मक और व्यवहारात्मक मुख्य तौर पे कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, और सबसे ज़्यादा मेन रोल इसमें भावात्मक निभाता है कि जैसे हमारे मन की स्थिति होगी, जैसे हमारे भाव होंगे, वैसे ही हम व्यवहार करेंगे। ज्ञान, संज्ञान और व्यवहार का रोल इसमें काफ़ी कम होता है, भावात्मक इसमें मेन रोल निभाता है। तो आधारभूत निष्कर्ष संरचना के अंतर्गत ये चार पॉइंट्स आते हैं इसके अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं आगे मनोवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। तो मनोवृत्तियों का निर्माण दो कारकों से होता है, ये हमने विशेषताओं में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, अनुवांशिक कारक और सामाजिक व व्यक्तिगत कारक। अनुवांशिक कारक का बहुत ही कम रोल होता है इसमें, 0.1% कह सकते हैं, 1%, और सामाजिक व्यक्तिगत कारक का बहुत ही बड़ा रोल होता है मनोवृत्तियों के निर्माण में। बट अनुवांशिक कारक का कहीं कहीं रोल होता है जिसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे और मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगी। अनुवांशिक कारक में आंतरिक प्रेरणाओं से संबंधित, मतलब कि अगर हमारे अंदर से जो भी चीज़ हो रही है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कुछ लोग होते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जी या कोई पर्टिकुलर खाना बचपन से ही नहीं पसंद करते। अब ये तो नहीं वो समाज से सीखते कि उनके अंदर कुछ ऐसा स्वाद होता है कि वो नहीं पसंद करते ये चीज़ खाना,
ऐसे ही कोई बच्चा होता है, बचपन से संगीत का बहुत शौकीन होता है, गिटार बजाना या गाना गाना उसे बहुत पसंद होता है। कुछ होते हैं कि बिल्कुल उन्हें संगीत से लगाव नहीं होता, ऐसे ही कुछ लोगों को खाना बनाना पसंद होता है, कुछ को बिल्कुल भी किचन में घुसना पसंद नहीं होता। तो ये समाज से नहीं सीखता इंसान, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उनके अंदर जेनेटिक होते हैं, वो अनुवांशिक होते हैं। तो ये आंतरिक प्रेरणाओं से संबंधित है, मतलब कि ये अंदर से ही उनके अंदर से आती है ये चीजें। नेक्स्ट है, परिवर्तन आसान नहीं। आनुवांशिक कारक जो होते हैं उसमें हम आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते, आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन बहुत काफ़ी मुश्किल होगी। जो लोग पहले से ही, जैसे कि किसी को एक पर्टिकुलर सब्जी नहीं खाना पसंद है, तो हम कितना भी फोर्स कर लें तो थोड़ा बहुत वो चख लेगा लेकिन वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसे अंदर से ही नहीं मन हो रहा तो वो कैसे खाएगा। तो इसमें मनोवृत्ति में परिवर्तन आसान नहीं होता जो आनुवांशिक कारकों से बनती है। मनस्थिति पर प्रभाव, आनुवांशिक कारकों का मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर कोई सकारात्मक, आपने बच्चों को देखा होगा, कई तरह के बच्चे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मींस कुछ लोग होते, बच्चे होते हैं कि हमेशा चाहे कोई कितना भी डांट दे, कितना भी कोड़ दे, हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जरा सा मारने पे रुक जाते हैं, डांट मतलब कि बिल्कुल भी ऐसा रिएक्ट करते हैं कि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा, इस टाइप के बच्चे होते हैं। तो ये भी एक मनोवृत्ति ही है जो कि आनुवांशिक कारकों पर डिपेंड करती है, तो ये मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तो ऑब्वियस है, जैसे हमारी मन की स्थिति होगी वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। जैसे ही अगर हम पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति होंगे तो हम लोगों से पॉजिटिव बिहेव करेंगे, और नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति होंगे, हमारी मनोवृत्ति नेगेटिव होगी तो हम नेगेटिव बिहेव करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक कारक। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ विद एग्जाम्पल। सबसे पहले आवश्यकता पूर्ति। अब ये कारक कैसे निर्धारित होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक कारक? जहां से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वहां मनोवृत्ति जल्दी, वैसी मनोवृत्ति जल्दी बनती है। जैसे कि माँ से एक बच्चे का अटैचमेंट होना, जो माँ होती है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, तो वहां माँ के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का निर्माण होता है। तो इसे व्यक्तिगत कारक भी कहा जा सकता है और सामाजिक कारक भी कहा जा सकता है। इसी तरह कि अगर मान लो हम लोग ISPCS का एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन, मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर बुक से आ गए, तो आप क्या करोगे, उस बुक्स का रेफरेंस आप और अपने फ्रेंड्स को भी दोगे कि ये बुक बहुत अच्छी है, इससे देखिए 10 क्वेश्चन हमारे आए थे। तो ये होता है आवश्यकता पूर्ति की, उस बुक से जितनी हमारी आवश्यकता पूर्ति हुई तो उस बुक्स की तरफ सकारात्मक नजरिया बन गया हम लोगों का। ऐसे ही प्राप्त सूचनाएं, व्यक्ति को प्राप्त सूचनाएं किस तरह से मिल रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसे ही आदमी ने या घर के मेंबर ने कह दिया कि आपको दर्द हो रहा है, आप डिस्प्रिन की गोली खा लीजिए, तो वो खाएगा तो, लेकिन वो इतना रिलायबल सोर्स नहीं होगा, वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा उस चीज़ को। लेकिन अगर वही चीज़ किसी डॉक्टर ने कह दी कि आपको दर्द हो रहा है, आप ये गोली खाइए, तो वो बिल्कुल मानेगा और वो चीज़ खा लेगा। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको सूचनाएँ कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि रिजल्ट आ गया है, तो आप बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे जब तक उसे अपनी आंखों से वेबसाइट पे नहीं देख लेते। तो सूचनाएँ कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, इससे भी आपकी मनोवृत्ति का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक होता है कि किसी भी कल्चर में कैसे मूल्यों का निर्धारण हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मुस्लिम संस्कृति से संबंधित व्यक्तियों में प्राय पशु बलि के संदर्भ में सकारात्मक मनोवृत्ति है, वहाँ पशु बलि दी जाती है। लेकिन जैन धर्म की संस्कृति जो है वहाँ पे पशु बलि के प्रति नकारात्मक है। तो ये इसमें एक सांस्कृतिक कारक भी मनोवृत्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता। बहुत सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग धारणाएँ होती हैं। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, मतलब अपने आप में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं, सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं। कुछ लोग
हर एक से बहुत गुस्से से बात करते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता जैसी होती है वैसे ही उनकी मनोवृत्ति का भी निर्धारण होता है। नेक्स्ट है समूह संबंधन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मीन्स होता है कि हम जैसे ग्रुप में रहते हैं हमारी मनोवृत्ति वैसी ही बन जाती है। अगर हम एस्पिरेंट सिविल सेवकों के ग्रुप में रहते हैं, ज़्यादातर लोग सिविल सेवक होते हैं, तो हम भी अपने आप को वही समझने लगते हैं, ऐसा एटीट्यूड हम अपनाने लगते हैं कि हम भी सिविल सेवक ही हैं। तो ये इसमें मनोवृत्ति में समूह संबंधन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये पांच ऐसे कारक थे, सामाजिक व व्यक्तिगत कारक, जो मनोवृत्ति के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मनोवृत्ति के क्या कार्य होते हैं, मतलब वो क्या काम करती है, क्यों जरूरी होता है वो, और नेक्स्ट उसकी हानियाँ, मनोवृत्ति की क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मैं दोबारा उसे एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आपको लेक्चर प्रोवाइड करा देना, हमारा मोटिव ये है कि आपको जो भी लेक्चर प्रोवाइड हो वो क्वालिटी लेक्चर हो, आपको वो चीज़ें समझ में आए। हम इसमें बहुत मेहनत करते हैं, चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, PPT बनाते हैं, फिर उसे करते हैं। तो इसमें यही हम आशा रखते हैं आप लोगों से कि आप जो भी कमियां हैं हमें वो बताएं, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो भी प्लीज़ हमें बताएं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे समझाइए या ऐसे बताइए, हम दोबारा पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। इसी के साथ हमारी ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि एथिक्स की थर्ड वीडियो, अभिवृत्ति की और GS पेपर 1 की बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आपके सामने आने वाली हैं आपको मिलती रहें। और नेक्स्ट जल्दी ही हम नेक्स्ट वीक तक आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की भी ट्रिक्स और टिप्स बताने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।